दोस्तों नमस्कार, हिमालय आयुर्वेद चैनल में मैं रस वैद्य अजय रावत आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोग हमारी इस सीरीज़ को बहुत गंभीरता से देखते हैं और मुझे फीडबैक भी देते हैं। दोस्तों मानसिक रोग सीरीज़ का ये दूसरा अंक मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों आज मैं आपको पहले कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो कि मानसिक रोगों में या सकारात्मक जीवन जीने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और ये जो सीरीज है इसमें पहले मैं आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिसमें कोई बिना औषधियों के आप लाभ उठा सकते हैं, जिसमें कि औषधियों की आवश्यकता नहीं है। आप इस समय आवाज सुन रहे होंगे, हमारे घर में खुद योग ध्यान प्राणायाम ये लोग मतलब फैमिली मेंबर्स हमारे करते हैं, तो ये मेरा बेटा पीछे पढ़ाई कर रहा है इस समय तो, और मैं साथ में यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो तू पढ़ाई कर ले बेटा। तो दोस्तों मैं आपको बताते हैं बिना औषधियों के हम स्वस्थ जीवन कैसे जिए, मानसिक रूप से हम सुदृढ़ कैसे बने। यानी कि जो लोग मानसिक रूप से सुदृढ़ होना चाहते हैं या जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, नकारात्मक ख्याल ज़्यादा आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा ने उनके शरीर में मतलब मन मस्तिष्क में निवास कर लिया है, तो उसको पॉजिटिव एनर्जी में कैसे बदलें, बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा। तो नंबर वन, सकारात्मक जीवन जीने की कोशिश करें, यानी कि सकारात्मक बातों को सोचने की कोशिश करें। सपोज आप बाजार गए, किसी मित्र से आपसे मिलना था, उसने आपको 10 बजे का टाइम दिया था, 2 घंटे हो गए उसका कोई अता पता नहीं, फ़ोन नहीं उठा रहा, या उसने बोला यार मैं तो आ नहीं सकता अभी, मैं कल आऊँगा, तो क्या होता है आप लोग परेशान हो जाते हो इन छोटी छोटी बातों पे। तो ये परेशान नहीं होना, ये सोचना है कोई बात नहीं अगले दिन मिल लूँगा उससे, जो काम आज नहीं हो पाया मैं अगले दिन कर दूँगा, ठीक है। या आप बाजार गए किसी काम से, एटीएम आपके पास था, तब तक देखा वहाँ एटीएम ही नहीं चल रहा और आपको पैसे की बहुत ज़रूरत थी, तो उसमें अगर आप 2 घंटे या सारा दिन भी अगर सर पकड़ के बैठे रहोगे कि मतलब ये क्या हो गया, तो क्या होगा उससे, वो चीज़ सही तो होगी नहीं भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास वो चीज़ जो आप चाह रहे थे वो हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप अगर इस चीज़ को एक सेकंड सोचो, कोई बहने नहीं हुआ, मेरा काम नहीं बना, नेक्स्ट टाइम सही, अगले दिन मैं कर दूंगा इस काम को, तो ये एक तरीका हुआ कि पॉजिटिव विचार और नेगेटिव विचार आ रहा है तो उसमें कोशिश करने की पॉजिटिव विचार को हम अपनाएं, नेगेटिव विचार को छोड़ दें। कुछ ना कुछ हम शौक बनाएं कि हम अपने जीवन में, जैसे कि मैं हूं दोस्तों, मुझे मतलब नए नए चीज़ों को ट्रेनिंग लेना, प्रशिक्षण लेना, जो छोटी छोटी मतलब वर्कशॉप होती है उसमें सम्मिलित होना, या कुछ भी चीज़ सीखने का मतलब बड़ा शौक होता है मुझे। हर चीज़ मैंने सीखी है जीवन में, नई नई चीज़ें मतलब एकदम से, मतलब जहाँ पे सीखने की होती है मेरे अंदर पहले से है। अब आप कहेंगे भाई आपके अंदर है लेकिन हमारे अंदर तो नहीं है, तो क्या होता है कि नहीं है तो वो चीज़ डेवलप करें हम। जैसे कि मतलब हम अगर हम 4 लोगों के सामने बात नहीं कर पाते तो हम सीखेंगे यार पब्लिक स्पीच कैसे दें, 4 लोगों के सामने किस तरह से अपनी बात रखें। अगर हमें गाना गाना नहीं आता तो बस कोशिश करें ऐसे कि भाई 4 लोगों के सामने हम गाना गा सकें। हमें अगर घूमने का शौक है हम घूमें, हमें इधर उधर कहीं ट्रैवलिंग का शौक है हम ट्रैवलिंग करें, हमें कुछ संडे को या किस चीज़ में, तो मैं कह रहा था कि हमें जीवन में शौक मतलब अपने बना के रखने, कुछ भी सीखने के मतलब कुछ भी सीखना है, कुछ भी अर्जित करना है, घूमना फिरना एंजॉय करना, दोस्तों के साथ बातें करना, जो भी अच्छा लगे वो चीज़ करनी चाहिए दोस्तों। कम से कम हमें नकारात्मक अगर जीवन
से सकारात्मक जीवन की ओर जाना है तो हमें अपने जीवन में शौक जिंदा रखने हैं, क्योंकि दूसरा अपना अच्छा फ्रेंड सर्कल बढ़ाना। नेक्स्ट टिप है कि हमारा जो जो खुश मिजाज दोस्त होते हैं ना, तो उनके बीच में रह के हमें भी अच्छा लगता है। जैसे कि हम आपके दोस्त ऐसे होंगे कि बस हर चीज़ में बोलते हैं कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, कि मैं ये चीज़ कर रहा था कि यार नहीं हो सकता, मैं फलान चीज़ सीख रहा था ये नहीं हो सकता, मैं दुकान खोल रहा था नहीं हो सकता हर चीज़ में। कुछ लोग कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, मतलब उनके अंदर जो करने की जो किसी चीज़ को करने की तमंग उमंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव एनर्जी, प्राण ऊर्जा जिसको मैं कहता हूँ। प्राण ऊर्जा जिनकी ज़्यादा हो, यानी जो खुश मिजाज टाइप के लोग हों, तो वो उनका साथ आना। नेक्स्ट टिप है योग करना। अपने जीवन में प्राणायाम, योग, ध्यान हम सुबह शाम करें, यानी कि आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, या मैं दोस्तों कहता हूँ अगर जिनको ज़्यादा दिक्कत है तो एक घंटा सुबह एक घंटा शाम कम से कम निकालें उसके लिए। मतलब सुबह उठ के जल्दी अपना फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी के अपना, और आप थोड़ा सा जैसे कि आंख बंद कर ली, ये करके ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। अब ध्यान की मुद्रा कैसी होती है कि आपने कुछ नहीं करना, आंख बंद करनी है, ठीक है, हाथ यूं करके ऐसे कर लीजिए, इसको बोलते हैं सुखासन की स्थिति, ऐसे बैठ के और मतलब कि कुछ सोचना नहीं है, बस आंख बंद कर ली। दोस्तों मैं कह रहा हूँ आप अगर आधा घंटा करोगे ना, आपकी क्या है कि दिमाग में ना जो विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं ना, वो क्या है कि कम होने लग जाएंगे। अब आप सोचोगे कि पहले दिन ही मतलब ऐसे ध्यान की योगियों वाली मुद्रा में चल जाए हम, या जिनको 40-40 साल हो गए मेडिटेशन करते हुए, या ऋषि मुनियों की तरह योग की मुद्रा में चल जाए हम, या गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध की तरह हम इस तरह से ध्यान कर लेंगे 10 किलोमीटर दायरे में जो है उसका प्रभाव हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। देखो वो धीरे धीरे होगा, शनै शनै, शनै पद्या शनै पंथा शनै कंथा शनै 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 पर्वत लंघनम, इस तरह से कुछ है। मतलब कि शनै शनै होता है, कि विद्या भी शनै शनै होती है, पर्वत का लंघन, पर्वत में पहाड़ पे चढ़ाई करनी है तो शनै शनै होती है। कि कई सारे लोग योग करना चाहते हैं लेकिन प्राणायाम योग वगैरह इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि हॉपलेस हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि बस एक दिन में हम जो है प्राणाचार्य बन जाए। तो क्या करना है, सिंपल सी ट्रिक है कि आपने आंख बंद करके बैठ जाना है बस, और कोशिश करनी है कि उस समय कुछ ना सोचे, आप बस बिल्कुल शांत, बात खत्म। ये रस वैद्य आपको बता रहे हैं भाई, इस तरह से बता रहे हैं कि जो आप कर सको, ये बता रहा हूं मैं। अगर आप नेट पे ढूंढते रहोगे तो बहुत कंफ्यूज रहोगे, कौन सी मुद्रा करूं, सांभवी मुद्रा करूं, अलाना मुद्रा करूं, हाई मुद्रा, वो बहुत हाई लेवल चीज़ें होती हैं, आपने सिंपल करना। जब सिंपल करोगे तभी तो आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तभी तो कर पाओगे, पहले सिंपल होता है फिर हाई लेवल की चीज़ होती है। तीसरी बात, जीवन में मेंटर बनाओ अपना, मेंटर यानी कि अपने आदर्श बनाओ। वो आदर्श हमारे ऐसे होना चाहिए जो कि हमें खुशी दें, मतलब आपका जो आदर्श है ना, मतलब एक आदर्श होता है यार ये बंदा मतलब इस तरह के से बनना चाहिए मुझे, तो वो जरूर बनाओ, आप किसी को बना लो। और एक नहीं आपके 10 आदर्श हो सकते हैं, 100 आदर्श हो सकते हैं, और आदर्श अच्छे बनाइए। उससे क्या होता है ना, उनकी लाइफ स्टाइल को हम कॉपी करते हैं, हम जो कुछ भी हैं दोस्तों जीवन में हम अपने एटमोसफेयर की कॉपी हैं। मैं जो कुछ हूँ, मेरे जो फ्रेंड सर्किल होगा, मेरा जो आदर्श होगा, उनकी मैं कॉपी हूँ। अब नेक्स्ट टिप मैं देता हूँ आपको जो कि ध्यान से संबंधित है। आप ध्यान कीजिए आधा घंटा 15 मिनट आप करके देखिए, समय निकालना पड़ेगा भाई उसके लिए। अगर आप दिन भर में समय नहीं निकाल पाते, सुबह 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, निकालो समय। मैं खुद सुबह 7 बजे से और रात को 9-10 बजे तक मैं लगातार बिजी रहता हूँ, 9 बजे तक मेरे पास समय नहीं रहता बिल्कुल भी काम करने का। कभी मैं वीडियो बनाता हूँ, कभी मैं अपना ये मेडिकल का अपना काम करता हूँ, वैद्य के काम करता रहता हूँ, मैं दिन भर बस इसी चीज़ में रहता हूँ। कभी किसी का मेरे वैद्य का दोस्त का फोन आ रहा है, उसके साथ विचार विमर्श चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, तो मैं खुद बता रहा हूँ इस तरह। कभी बच्चों को स्कूल से लेके आना है, सुबह स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है, ठीक है, उनको थोड़ा शाम को पढ़ाना है,
तो प्रत्येक इंसान ऐसा फ्री कोई नहीं है, लेकिन बस अपने लिए समय निकालना है हमें, अपने लिए समय निकालो, मेडिटेशन करो। उसमें क्या है कि आप साथ में भ्रामरी दस मिनट पंद्रह मिनट करो कम से कम, ज्यादा दिक्कत आधा घंटा करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाली अनुलोम विलोम ये करो, जो ये वाली जो मुद्रा होती है ये होती है फिजिकल उसके लिए, यानी कि मेंटल भी काम करती है लेकिन फिजिकली ज्यादा काम करती है। जो हमारा पेट के गुर्दे वुर्दे होते हैं, पेट में जो अंदर आंतड़ियां होती हैं, आमाशय होती हैं, उसको बिल्कुल ठीक करता है ये, अंदर आंतों के मोशन को ठीक करता है ये। आप ये भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया आपके लिए, एक तो मेडिटेशन आधा घंटा या पंद्रह मिनट कम से कम, और एक अनुलोम विलोम, दो और तीसरा भ्रामरी। आप ये काम कर लीजिए, आपको बिना औषधियों के बहुत सारे लाभ होगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।